हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लेनेट इंडिया की वीडियो सीरीज में। एंड फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का, जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है उसी के चैप्टर 3 से रिलेटेड आज का वीडियो है। चैप्टर 3 है हमारा अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और आप सभी की डिमांड थी कि अंदर से भी क्वेश्चंस बनाए जाएं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज लेके आई हूँ। यूनिट 3 यानी कि चैप्टर 3 आपका एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि एग्जाम में जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसी से क्वेश्चन बन के आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट चैप्टर 3 से अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। ओके, तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 23 सितंबर 1600 ईस्वी को इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सूजी गांव की संधि कब और किसके मध्य हुई थी। तो फ्रेंड सूजी गांव की संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को मराठों और अंग्रेजों के मध्य। जो द्वितीय आंग्रियों में मराठा संघर्ष हुआ था उसी के तहत ये संधि की गई थी, सूजी गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो फ्रेंड जो टीपू सुल्तान है वो मैसूर का शासक था, हैदर अली का पुत्र था, उसका पुत्र कौन था, टीपू सुल्तान, मैसूर का ये सुल्तान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अमृतसर की संधि कब हुई थी। अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका फुल फॉर्म आती ही उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, हम सभी INC ही जानते हैं, बट फिर इसका जो फुल फॉर्म है वो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये इसकी फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमने देखी 23 सितंबर 1600 को इसकी स्थापना की गई थी, महारानी एलिजाबेथ के समय ये कंपनी भारत आई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध ये पहला युद्ध था जिसके द्वारा भारत में अंग्रेजों की स्थापना की गई थी। यह युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, सन्यासी अंग्रेजों से क्यों नाराज थे। देखिए, सन्यासी विद्रोह हुआ था जिसके कारण सन्यासी अंग्रेजों से नाराज थे, जिसके कारण सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण यह था कि जो सन्यासी लोग थे उनको तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके कारण सन्यासी विद्रोह हुआ था, क्योंकि सन्यासी अंग्रेजों से नाराज थे क्योंकि उन्हें तीर्थ स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वासुदेव फड़के किस प्रांत से थे। तो वासुदेव फड़के महाराष्ट्र प्रांत के थे, महाराष्ट्र में इन्होंने स्व आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया। तो बिहार राज्य में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका शासक था, उसका नेतृत्व किया था जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो बेगू किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1921 में। बिजुलिया किसान आंदोलन की प्रेरणा से बेगू में किसान आंदोलन हुआ था। बेगू जो आंदोलन हुआ था वो राजस्थान प्रांत का है, चित्तौड़गढ़ के पास ये स्थित है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। द्वितीय वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बाद गांधी जी की प्रेरणा से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। उसके अंतर्गत क्या था कि सभी व्यक्ति अपने आप को गिरफ्तारी दे रहे थे, जिसमें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। ओके, नेक्स्ट है, वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक रची गई थी भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसके अंतर्गत उन्होंने 1857 की क्रांति को एक स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो वीडी सावरकर की पुस्तक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमासी
रमोसी विद्रोह हुआ था। तो रमोसी विद्रोह हुआ था 1822 ईस्वी में, चित्तर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था, रमोसी विद्रोह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई गई थी। हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई गई थी 1893 ईस्वी में चापेकर बंधुओं के द्वारा। चापेकर बंधु महाराष्ट्र के आंदोलनकारी थे, उनके द्वारा एक हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, अभिनव भारत जो है सभा, उसकी स्थापना की गई थी। तो अभिनव भारत सभा की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स ये हमने देखी आज एनसीईआरटी क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर 3 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने प्रिपेयर किए हैं। कुछ क्वेश्चन अभ्यास पुस्तिका के हैं, कुछ मैंने अंदर से प्रिपेयर किए हैं जो एग्जाम में आने की इनकी संभावनाएं रहती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस लाती रहूंगी, इससे नॉलेज प्लेनेट इंडिया से जुड़ा ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन से क्लिक करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम नॉलेज प्लेनेट इंडिया के वीडियो देख रहे हैं तो आप रीट एग्जाम से रिलेटेड मैंने वीडियो सीरीज प्रोवाइड कराई है इंग्लिश साइको की, आप उन्हें जरूर देखिए। साथ ही आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, सॉल्व पेपर भी मिलेंगे लास्ट ईयर्स के, और आपके लिए टेस्ट सीरीज भी मैंने प्रोवाइड करवाई है। तो आप सभी उन वीडियो को देखिए और उनसे लाभ उठाइए रीट एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नॉलेज प्लेनेट इंडिया।